पता नहीं चलता कि किस बच्चे ने आंसर करा है, किसने नहीं किया, तो आप लोग चैट सेक्शन में आंसर किया करो, ठीक है? हाँ, चैट सेक्शन में लिखिए क्या होता है फॉर्मूला, ठीक है? ये एक ही बच्चे ने आंसर, ओके, वेरी गुड। सभी बच्चे लिखेंगे, सभी बच्चे चैट सेक्शन में फॉर्मूला मैम लिखिए। पाई का, मैम पाई का साइन बनाने के लिए नहीं आ रहा, इसलिए पाई बस लिख दे रहे हाँ, हैं। कोई बात नहीं, आप पाई वैसे ही लिख दीजिए, ठीक है? क्योंकि जितनी बार आप फॉर्मूला याद रखेंगे, जितनी बार लिखेंगे, उतनी ही बार आपको याद रहेगा, ठीक है? इसीलिए लिखवा रही हूँ मैं। गुड। अगर आपको याद भी नहीं, आप देख के भी लिखेंगे, फिर भी आपको याद हो जाएगा, ठीक है? वेरी गुड। तो हमारा फॉर्मूला है 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, है ना? और हमने एक क्वेश्चन भी किया था इससे रिलेटेड, ठीक है? तो आज हम और भी काफी क्वेश्चंस करेंगे टोटल सरफेस एरिया से रिलेटेड, ठीक है? यस, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन करिए आप, स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया होगा, मतलब पोल सेक्शन में क्वेश्चन आ गया होगा, और स्क्रीन पे भी आपको क्वेश्चन दिख गया होगा। तो क्वेश्चन ने बोला क्या है कि एक सिलेंडर है, एक बेलनाकार खिलौना है जिसकी ऊंचाई है 25 सेंटीमीटर, ठीक है? वीडियो एंड माइक प्लीज ऑफ रखिए अपने। ऊंचाई जिसकी दे रखी है बेटा कितनी है? 25 सेंटीमीटर, ठीक है? ये बेलन था कि ऊंचाई है 25 सेंटीमीटर, ठीक है? और आधार का परिमाप, इस चीज को यहाँ पे नोट करने वाली चीज है, मतलब आपको बेस का पेरीमीटर, बेस है ये, इसका जो आपका परिमाप है वो दे रखा है। अब आपको पता है जो बेस होता है किसी भी सिलेंडर का, वो वृत्त के शेप में होता है, लेकिन यहाँ आपको रेडियस नहीं दे रखी, त्रिज्या नहीं दे रखी है, त्रिज्या नहीं पता आपको कितनी है। तो क्या करेंगे आप, परिमाप से त्रिज्या निकालेंगे। फिर आपको पूछा गया है कि इस खिलौने को बनाने में कितना प्लास्टिक की आवश्यकता होगी, मतलब आपको टोटल सरफेस एरिया बताना है। तो उसके लिए तो आपको क्या चाहिए, मुकेश कुमार के नाम से जो अपनी वीडियो ऑफ करिए आप, आपको क्या चाहिए, आपको सबसे पहले त्रिज्या चाहिए, रेडियस चाहिए, है ना? यस, त्रिज्या चाहिए ना? तो त्रिज्या कहाँ से निकलेगा बेटा? परिमाप से निकलेगा। तो आपको वृत्त का परिमाप का सूत्र लगाना है। मैं थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। वृत्त के परिमाप का सूत्र 2 पाई आर होता है, चलो ये भी बता देती हूँ। यहाँ से आप त्रिज्या निकालेंगे और फिर वो त्रिज्या फॉर्मूले में पुट करेंगे टोटल सरफेस एरिया के, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के, फिर अपना उत्तर निकालेंगे। क्लियर है? चलिए सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, इतना हिंट मैंने काफी हिंट दे दिया आपको, सॉल्व कीजिए। मैम आवाज नहीं आ रहा। बेटा अभी मैं कुछ बोल नहीं रही हूं, पर अगर आपको वॉइस नहीं आ रही तो एक बार क्लास लीव करके दोबारा से ज्वाइन कर लो, ठीक है? यस, वेरी गुड। बच्चे के आंसर्स भी आने स्टार्ट हो गए हैं बहुत जल्दी। सबसे पहले त्रिज्या निकालिए आप, रेडियस निकालिए, ठीक है? किससे निकालना है आपको? परिमाप से।
वेरी गुड, 6 बच्चों ने आंसर कर दिया है। गुड। तो जो भी डाउट होगा ना अभी फोल सेक्शन के बाद, ठीक है, फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, उसके बाद अपने डाउट पूछिएगा। ठीक है, ठीक मुकेश कुमार के नाम से जो है बेटा, मैंने आपको पहले भी बोला, अपनी वीडियो ऑफ रखिए, आप वीडियो बंद करिए अपनी। गुड, 10 बच्चों ने आंसर कर दिया है। ओके, तो आपके जो आंसर, जैसे कि मैं देख रही हूँ, आप मिले जुले आंसर दे रहे हैं, ठीक है, सभी ऑप्शंस पे लगा रहे हैं आप। देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से। मैम आंसर में कुछ गलत है क्या? मैम नहीं बेटा, ऑप्शन में, आंसर नहीं, ऑप्शन नहीं में ऑप्शन ऑप्शन सही है इस केस वाले के, ऑप्शन एकदम करेक्ट है। हो सकता है आंसर पाई की फॉर्म में भी हो सकता है ना, कि पाई में भी ऑप्शन दे रखा है, ट्राई कर लेना, पाई में भी आ सकता है, विदाउट पाई भी आ सकता है। मैम बेटा जल्दी करिए, बाकी बच्चे भी पोल सेक्शन में आंसर 11 ही बच्चों ने किया है।
चलिए आखिरी के 20 सेकंड्स और हैं, 20 सेकंड्स लेफ्ट। आखिरी के 10 सेकंड्स और है। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करिए इसका। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करिए क्या होगा। ठीक है। पोल में सिर्फ 12 बच्चों ने आंसर किया है ना, तो बाकी बच्चों के आंसर्स यहाँ आने चाहिए। क्योंकि क्लास में पूरे 28 बच्चे हैं। क्लास ज्वाइन करने का ये मतलब नहीं होता कि आप आके सिर्फ बैठ जाएं, क्योंकि क्वेश्चन भी सॉल्व करना होता है। चलिए नेक्स्ट पेज में मैं इसे समझाती हूँ फिर से। ठीक है, तो डायग्राम के साथ देखते हैं इसको। देखो तो सबसे पहले तो ये सिलेंडर बना देती हूँ मैं। ठीक है, जिसके बारे में इसने बात करी कि बेलन बेलनाकार आकार में खिलौना है। ठीक है, तो ये रहा वो बेलन के आकार का खिलौना। ठीक है, मैम मेरा चैट सेक्शन आई नहीं रहा। बेटा चैट सेक्शन तो ओपन हो गया है, तो देख लीजिए, क्या पता थोड़ी देर में आ जाए। नहीं आएगा तो कोई बात नहीं है। ठीक कुछ है, तो हो सकता है वो आपके एंड से ही प्रॉब्लम होगी, क्योंकि चैट सेक्शन तो मैंने ओपन कर दिया है। बंद बता रहे हो। बंद हो जा रहा है बेटा, इसका तो मुझे कोई आइडिया नहीं, क्योंकि चैट सेक्शन तो ऑन है और सबके मैसेजेस भी आ रहे हैं। ठीक है, चलो आप यहाँ पे देखो फिलहाल। नहीं होगा तो आप माइक ऑन करके जो भी डाउट हो पूछ लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपसे साफ बोला गया है कि जो इसका ऊंचाई है 25 सेंटीमीटर है, मुझे निकालना है खिलौना बनाने में टोटल कितना प्लास्टिक यूज हुआ है, मतलब टोटल सरफेस एरिया। अब आपको पता है कि भाई टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो मुझे त्रिज्या चाहिए, रेडियस चाहिए, पर रेडियस तो कहीं गिवन नहीं है। अब रेडियस गिवन नहीं है तो मुझे कहीं ना कहीं से निकालनी पड़ेगी, तो कहाँ से निकालेंगे। मुझे एक और चीज दे दी कि भाई उसने पेरीमीटर दे दिया। ठीक है, परिमाप दे दिया उसने बेस का, कितना दे रखा है परिमाप, 20 पाई सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि भाई परिमाप इस वाले का अगर परिमाप दे रखा है तो, और ये वृत्त के आकार का है, तो परिमाप का सूत्र, वृत्त के परिमाप का सूत्र होता है 2 पाई आर। परिमाप का मान रखा है 20 पाई बराबर 2 पाई आर। ऐसे करेंगे, पाई से पाई यहाँ काट देंगे, 20 बराबर 2 आर। आर कितना आ जाएगा बेटा, ये इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, 20/2 मतलब 10 आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर आपकी त्रिज्या आ गई। अब त्रिज्या आते ही आपको पता है कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बस आपको टोटल सरफेस एरिया के सूत्र में पुट कर देना है, 2 पाई आर, आर प्लस एच, 2 पाई। देख लेते हैं पाई का मान लास्ट में पुट कर लेंगे, क्या पता पाई के फॉर्म में आंसर आ रहा हो, इसलिए मैं यहाँ भी मान नहीं रख रही हूँ पाई का। रेडियस है 10, 10 प्लस कितनी हाइट, ऊंचाई 25, 2 पाई गुणा 10, 10 और 25 कितने हो गए बेटा, 35। 10 को 35 से गुणा करोगे, 2 पाई गुणा 350, 350 को 200 करोगे कितना आएगा बेटा, 350 को 2 से करोगे तो 700, 700 पाई वर्ग सेंटीमीटर। क्या है ऑप्शन में 700 पाई? यस है, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन मैम ए ऑप्शन करेक्ट ए आंसर। करेक्ट आंसर।
मैम पी इक्वल टू 2 पाई आर है, उसके नीचे 20 पाई इक्वल टू 2 पाई आर, तो पाई से पाई कैसे कैंसिल हो सकता है मैम? बेटा पाई से पाई ये हो तो जाएगा पाई ना, से पाई हो पाई जाएगा ना, आप दो बराबर दो प्लस बराबर दो है, ये कट जाता है, कट जाता है, कट जाता है आमने कोई भी सामने। इज इक्वल टू नो नंबर कट जाता है, ठीक है ये याद रखना। जैसे अगर मैं 10 बराबर 5 पाई लिखती तो 5 से 10 कट जाएगा, 5 दूनी, उसका यही तो मतलब हुआ 10 के डिवाइड में 5, तो मैंने डायरेक्ट काट लिया है। वैसे अगर पाई को भी करूंगी, पाई उस तरफ जाएगा तो पाई के भाग में तो पाई आएगा, वैसे भी कटना ही था वो। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती थी, 20 पाई बटे पाई बराबर 2 आर, तब भी पाई से पाई कटना था तो मैंने वही काट दिया, ठीक है, ताकि मेरी एक स्टेप बच जाए कैलकुलेशन का। क्या क्वेश्चन समझ में आया सभी को ये? यस मैम। इजी था, बस आपको वही है त्रिज्या निकालनी थी, त्रिज्या के बाद वाला पार्ट तो आप कर ही लेते, है ना? समझ में आ गया है तो नोट डाउन भी कर लीजिए इस क्वेश्चन को। इस तरीके का एक और क्वेश्चन दूं मैं आपको, यस मैम। है ना, एक और क्वेश्चन दे देती हूँ ताकि आप सॉल्व कर ले उसे। ठीक है, हाँ तो इसे नोट डाउन कर लो ताकि मैं दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिख सकूं। दे दो दूसरा क्वेश्चन, नोट डाउन हो गया। नहीं हुआ, मैं तो स्क्रीनशॉट भी ले यस सकती, मैम। जल्दी हो जाएगा। ठीक है चलिए, तो क्वेश्चन मैं लिख रही हूँ, प्रश्न ऐसा ही रहेगा। आपको बोला है कि ऊंचाई आपकी 15 सेंटीमीटर है बेलनाकार खिलौने की, और परिमाप दे रखा है आधार का एक बार 10 पाई सेंटीमीटर। आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, क्या आएगा? ठीक है, ऑप्शन भी दे देती हूँ साथ में, आप तब तक इसे सॉल्व कीजिए। और आंसर सभी चैट सेक्शन में करेंगे इसका, ठीक है? ठीक है, ऑप्शंस भी दे दिए हैं, सॉल्व कीजिए। चैट सेक्शन में ही करिएगा आंसर, ठीक है? 200 मैम, 200। तो बच्चों के आंसर्स भी आने स्टार्ट हो गए, वेरी गुड। वेरी गुड, काफी जल्दी सॉल्व कर लिया आपने क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। चलिए गुड, तो देखो मैं इसे सॉल्व करवाती हूँ, सॉल्व ही करवाना है, काफी बच्चों ने तो कर ही लिया है, तो बाकी बच्चे भी खुद ही सॉल्व इसे कर लेंगे, है ना? तो देखो आपने सबसे पहले परिमाप से
त्रिज्या निकाली होगी, रेडियस निकाली होगी। 10 पाई बराबर 2 पाई आर, पाई से पाई काट दिया होगा आपने, आर बराबर 10/2, 5 सेंटीमीटर आपकी त्रिज्या आ गई। फिर आपने सूत्र में सारी वैल्यूज पुट कर दी होंगे, है ना, आर प्लस एच। पाई का मान पुट नहीं किया होगा क्योंकि सारी वैल्यूज आपको पाई में दे रखी थी आंसर में। 5 प्लस 15, 2 को 5 से करा 10 पाई, गुणा दोनों को जोड़ा 20, 10 गुणा 20 200 पाई वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। यस, तो अब इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आएंगे, इसी तरीके के आएंगे, तो आप सॉल्व कर लेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, सभी को क्लियर है? यस मैम। गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी थोड़ा सा अलग है इससे, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 49, ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को। और आपसे बोला क्या गया है कि एक रोलर है, रोड रोलर, जो सड़क बनाने में इस्तेमाल होता है, सभी ने देखा होगा रोलर, है ना, जो जब सड़क बनते तो रोलर घूमता है ना डामर के ऊपर, वही वाला। तो उस रोलर का जो आपको लंबाई दे रखी है, लंबाई है 120 मीटर, सेंटीमीटर। तो मान लो इस तरह का रोलर है, इसकी जो लंबाई है 120 सेंटीमीटर है, इसका व्यास दिया है, इस बार डायामीटर दे रखा है, मतलब ये पूरी चीज आपको दे रखी है कितनी, 84 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, इस रोलर को हमने क्या किया, एक खेल का मैदान था, मान लीजिए आपके घर के पास एक खेल का मैदान है, उस मैदान में मिट्टी पड़ी हुई है, आपको क्या करना है, उस मिट्टी को प्लेन करना है। तो आपने क्या किया, एक रोलर को बुलवाया, उस रोलर से उस मैदान में उसको चलवाया, ठीक है, रोल करवाया। तो उसने बोला कि उस मैदान में जब रोलर चलाया जाता है तो 500 चक्कर लगते हैं उस पूरे मैदान को उसे फ्लैट करने में, बराबर करने में। तो आपको बताना है जिस मैदान के ऊपर वो रोलर चलाया गया उसका क्षेत्रफल कितना है। क्वेश्चन समझ में आया, पहले इतना बताओ, माइक ऑन करके बोल सकते हो। क्वेश्चन समझ में आया सभी को, है ना। तो अब इसका थोड़ा सा हिंट सुन लो कि कैसे होगा। अगर आप ये निकाल ले कि एक चक्कर में वो कितना एरिया कवर कर रहा है मैदान का, तो उसे 500 से गुणा कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। पर मुझे यहाँ पे सूत्र नहीं पता है, क्योंकि तो आप खुद सोचो, जो रोलर होता है वो रोलर इस तरीके से चलता है ना, मतलब उसके आधार काम में नहीं आते हमारे, ये दोनों जो आधार होंगे उसके ऊपर और नीचे वाले, ये उसमें काम में ही नहीं आएंगे, है ना। ये भी आधार काम में नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा बेस उसके, फिर बीच बीच वाला हिस्सा उसका रोल होता है, ऐसे तो होता है, रोलर तो देखा ही है ना आपने चलते हुए, कैसा रोल होता है वो, क्या उसके दोनों सर्कुलर पार्ट यूज होते हैं रोल करने में, बताइए आप। नो नो नहीं होते, मतलब यहाँ पे सूत्र में कोई ना कोई डिफरेंस आएगा, क्योंकि मेरे पास सूत्र अभी सिर्फ टोटल सरफेस एरिया का है, जिसमें दोनों आधार भी इंक्लूडेड है, मुझे दोनों आधार हटाने पड़ेंगे। कैसे हटाऊंगी बेटा, जब मैंने आपको सूत्र बनाना सिखाया था तो मैंने आपसे बोला था ना, जो बीच वाला हिस्सा है उसका हमने अलग से सूत्र निकाला था, जो आयताकार पार्ट है, यहाँ पे सिर्फ आयताकार वाला हिस्सा ही यूज में आ रहा है, तो आपको सिर्फ आयताकार वाले हिस्से का सूत्र लगाना है, समझे आप। किसी को समझ में आया? नो मैम। नहीं यस आया मैम। बेटा, सिर्फ आप ये सोचो ना, जो रोलर है इसी हिस्से से मूव करेगा, आधार का कोई इस्तेमाल नहीं है, मतलब इस पाई आर स्क्वायर और इस पाई आर स्क्वायर का इस्तेमाल करना ही नहीं है। तो फिर बीच वाला जो सूत्र बचा था, जो हमने जोड़ा था तीसरे फलक का सूत्र, वही इसका सूत्र बन जाएगा क्या, 2 पाई आर एच। अब आया समझ में, आया मैम है ना, तो 2 पाई आर एच से ही तो मूव कर यस रहा मैम है, आ गया। का मतलब कि 2 पाई आर एच वाला ही हिस्सा उसका रोल कर रहा है, तो मतलब एक चक्कर में वो 2 पाई आर एच राउंड मारेगा, उसको 500 चक्कर लगे। तो पहले एक चक्कर का निकाल लो जो भी 2 पाई आर एच है, जो भी उत्तर आएगा 500 को गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाए। क्लियर है, सॉल्व कीजिए इसे पोल सेक्शन में। मैम इसे मीटर स्क्वायर में निकालना है ना। हाँ, नहीं आंसर सेंटीमीटर में भी आ सकता है, मीटर में भी, डिपेंड करता है, सॉल्व कीजिए। दूसरी चीज, जिसमें व्यास दे रखा है बेटा डायमीटर है, उसको रेडियस में कन्वर्ट जरूर कर लेना, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। मैम इसमें एरिया मीटर स्क्वायर में पूछा है। अच्छा लिखा है मीटर स्क्वायर, हाँ तो मीटर स्क्वायर में ही आएगा, ठीक है ठीक है।
यस, मीटर स्क्वायर में पूछा है तो मीटर स्क्वायर में ही आएगा। तो पहले के दो ऑप्शन वैसे ही क्रॉस होंगे, सी और डी में से एक ऑप्शन होगा, है ना। वेरी गुड। अरे बाबा ये चलिए 11 बच्चों का आंसर आ चुका है, बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी करिए सब। सात बच्चों का आंसर ठीक आ गया है। यस, वेरी गुड। मैम आपने दो ऑप्शंस काटे क्यों हैं? यस बेटा, मैम आपने दो ऑप्शंस काटे क्यों हैं, ए और बी? क्योंकि क्वेश्चन में साफ बोला गया है कि मीटर स्क्वायर में आंसर लाना है, वर्ग मीटर में, तो ये सेंटीमीटर में, तो ये वैसे ही कट गए ना, इसलिए तो मैंने काट दी। आंसर तो आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आएगा, पर आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैम ये सी और डी में से कोई एक एक होगा आंसर? यस yes, क्योंकि मीटर स्क्वायर में लाना है ना आंसर, तो सी और डी में से ही एक होगा। चलिए बेटा, काफी टाइम हो गया, तो मैं सॉल्व करवाऊंगा अब, ठीक है? मैं करवाती हूँ, बाकी अभी पोल सेक्शन एंड कर रही हूँ मैं, बाकी बच्चे जिन्होंने सॉल्व कर लिया हो चैट सेक्शन में आंसर कर लिया। चैट सेक्शन ऑन है, चैट सेक्शन में कर लीजिए, फिर हम इसे डिस्कस करते हैं कि कैसे आएगा उसका उत्तर वर्ग मीटर में। चलिए देखते हैं, ठीक है? तो फॉर्मूले में तो किसी को कोई डाउट है या नहीं है? सबको समझ में आया 2 पाई आर एच क्यों लगेगा? मैं दोबारा एक्सप्लेन करूं मैं इस वाले पार्ट को भी, फॉर्मूले तक।
फॉर्मूला क्लियर है ना, 2 पाई आर एच कैसे बना? क्लियर नहीं तो माइक ऑन करके बोल दो, अगर क्लियर नहीं है तो। ठीक है, तो फॉर्मूला मुझे पता चल गया, 2 पाई आर एच होगा। डायमीटर दे रखा है 84 सेंटीमीटर, और मुझे व्यास से नहीं, मुझे त्रिज्या चाहिए। तो आपको पता है व्यास का आधा त्रिज्या होती है, 2 से काट दो, 42 बार जाएगा, 42 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, सूत्र में लगा दो। ठीक है, आपको लगाना है एक चक्कर, एक चक्कर का निकालना है, तभी आप 500 चक्कर भी निकाल सकते हो। तो एक चक्कर कब होंगे, जब वो 2 पाई आर एच चलेगा। पाई का मान रख दो, पाई का मान रख दो। ठीक है, रेडियस है 42, हाइट कितनी देर की है आपको, 120। 7 से काट दो, 6 बार। ठीक है, अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, इसको गुणा कर देंगे। ठीक है, 22 को जब 2 से गुणा करेंगे आएगा 44, 6 गुणा 120। ठीक है, अगले स्टेप में तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 44 गुणा 6 गुणा 120 हो जाएगा आपका 3180 वर्ग सेंटीमीटर। ये आया एक चक्कर में, है ना? लेकिन आपको किसका निकालना है, आपको निकालना है 500 चक्कर लगा रहा है वो पूरा ग्राउंड लेवल करने में। 500 चक्कर जब वो लगाएगा तो 500 को इससे गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, 1584 1234 वर्ग सेंटीमीटर। इतना कभी का रहा होगा वर्ग सेंटीमीटर में। अब हमने मेंसुरेशन स्टार्ट करने से पहले सीखा था ना कि सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कैसे बदलते हैं, उल्टा जा रहा है ये, है ना? तो भाग हो जाएगा किससे, एक के बाद 4 जीरो से, याद आया सभी को? तो 1 1584 8 4 1 2 3 4 सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर मुझे मीटर स्क्वायर में बदलना है तो मुझे 4 जीरो से वो तो भाग कर देना होगा। कितना आ जाएगा बेटा, 1 8 1584 वर्ग मीटर। मीन्स ऑप्शन डी सही उत्तर है। यस, तो इसीलिए वो कन्वर्जन्स आपको करवाए थे, क्योंकि वो कहीं पे भी यूज हो जाते हैं। ठीक है, और वो याद भी रहने चाहिए। सभी को समझ में आया क्वेश्चन, क्लियर है सभी को? यस, गुड, वेरी गुड। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन करें या इस तरीके का एक और क्वेश्चन करना है आपने, या अगला क्वेश्चन, या अगला टॉपिक कब हमारा स्टार्ट होने वाला है? अगला टॉपिक करें, एक और करना है बेटा? यस मैम। मेरी विश तो नहीं है, आपको जितना समझ में आएगा मुझे उससे मतलब है। ठीक है, एक और कर लेते हैं। चलो चलिए, इस बार वैल्यूज ले लेते हैं। आपको रोड रोलर की जो ऊंचाई है 60 सेंटीमीटर देर की है। ठीक है, इसका जो डायमीटर आप मान लीजिए 42 सेंटीमीटर देर का है। ठीक है, 42 सेंटीमीटर है, तो आपको निकालना है कि 750 चक्कर में वो उस ग्राउंड के कितने एरिया कवर करेगा। ठीक है, 750 चक्कर अगर लगा रहा है तो सेम प्ले ग्राउंड, सेम प्ले बस ग्राउंड वैल्यूज है, बस मैम वैल्यूज मीटर में चेंज। चेंज करना है या सेंटीमीटर में? नहीं, इस बार सेंटीमीटर में आंसर लेके आ जाइए। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आंसर ले आइए, और चैट सेक्शन में सॉल्व कीजिएगा सभी।
ठीक सभी के अलग लगा रहे हैं। ओके कोई बात नहीं। नहीं, सभी बच्चों के आंसर्स अलग लगा रहे हैं। चलिए मैं सॉल्व करवाती हूँ इसे। ठीक मैं सॉल्व कर रहा हूँ। चलो सबसे पहले आपने डायमीटर से रेडियस निकाला होगा, है ना? व्यास निकाला, व्यास से त्रिज्या निकाली होगी 42/2, यह होगा 21 सेंटीमीटर, है ना? इसके बाद आपने क्या किया होगा, आपने फॉर्मूले आप पुट कर दी होगी। चलिए ये एक सही चक्कर है गलत बेटा, भी मैं भी सॉल्व भी कर रही हूँ कि मैंने अपने मन से वैल्यू है। दी थी। 2 पाई RH 2 × 22/7 × 21 × 7, 7 × 21, 44 × 3 × 60। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 44 × 3 × 60 को, यह 7920 वर्ग सेंटीमीटर एक चक्कर का। तो आपको 750 चक्कर के निकालने, 750 को इससे गुणा कर दोगे 7920 को, 5940000 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखते हैं जिन जिन बच्चों का सही है उनका नाम ले लेते हैं। विकास के नाम से जो है, वेरी गुड। प्रिंस, दो ही बच्चे हैं जिनके सही आए आंसर, विकास इन प्रिंस। अभी शिवानी, यस वेरी गुड शिवानी। अमरुल कुमार एंड राजा कुमार, बेटा आपने नंबर ऑफ जीरोस कम लगाए हैं। विशाल ने भी नंबर ऑफ जीरोस कम लगाए हैं, है ना? जूली आपने भी जीरो कम लगा रखे हैं, बट वैल्यूज ठीक है। तो यार काफी सारे बच्चों का वैसे सही आंसर। सबको समझ में आ गया कैसे करने हैं अभी वाली क्वेश्चन? तो अगले टॉपिक पे तो बढ़ते हैं हम। ठीक है, अगला है हमारा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो जैसे ही वक्र आता है आपको पता है ऊपर नीचे दोनों का हम बेस मतलब नहीं लेंगे। तो इस वाले केस में आप क्या नहीं लोगे, दोनों आधार नहीं लेंगे, जो कि हमारे किस शेप के हैं, सर्कुलर शेप के हैं। वृत्त के शेप में जो भी हमारे आधार हैं ऊपर नीचे वाले उनको हटा दो, सिर्फ बीच बीच वाला हिस्सा लो, तो ही हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाया जाएगा। मतलब सिर्फ आयताकार शेप का क्षेत्रफल, जो कि हमारा क्या है, 2 पाई RH। यही हमारा सूत्र है बेलन के वक्र या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में वैसे हमने एक फॉर्मूला लगा चुके हैं, 2 पाई RH ही इसका फॉर्मूला होता है।
ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, वैसे अब तक तो याद भी हो गया होगा। ठीक है, 2 पाई आर। चलो इक्वेशन कर लेते हैं इसी के बेसिस पे। इक्वेशन दिया गया है कि ऊंचाई कितनी है, 14 ऊंचाई वाले लंब बेलनीय का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, मतलब आपको कर्व सरफेस एरिया दे रखा है 88 वर्ग सेंटीमीटर। आपको बेलन के आधार का व्यास ज्ञात करना है, डायमीटर निकालना है, ऊंचाई आपको 14 सेंटीमीटर दे रखी है। तो कर ही लेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले भी। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से आपको पहले क्या निकालना होगा, रेडियस, त्रिज्या निकलेगी, उसके बाद व्यास निकलेगा। ठीक है, सॉल्व कीजिए। सूत्र सभी को पता भी, थोड़ी देर पहले हमने लिख लिया है, नोट डाउन कर लिया है। अच्छा गुड, चलो 6 में से 2 बच्चों का आंसर ठीक है, क्योंकि आप प्रश्न ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं, आपको व्यास निकालना है और आप त्रिज्या निकाल के आंसर लिख दे रहे होंगे, व्यास निकालना है आपको। ठीक है, ठीक है, 9 बच्चों का आंसर आ गया है। बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी करिए, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन है नहीं।
चलिए बेटा 10 सेकंड्स और हैं, 10 सेकंड का समय और है, जल्दी से करिए सॉल्व। ठीक है, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करिए। चलिए चैट सेक्शन में आंसर करिए बाकी बच्चे। देखो, कर्व सरफेस एरिया दे रखा है आपको, आपका सूत्र पता है 2 पाई RH होता है, इसी का मान 88 है। 2 पाई RH 88 बराबर, पाई का मान रखा 22/7, रेडियस आपने निकालनी है, त्रिज्या ऊंचाई है 14 से काट दिया, दो बार जाएगा। 88 बराबर 2 × 22 × 2 × R, 88 बराबर 44 × 2 × R, 88 बराबर 88 × R, दोनों को गुणा कर दिया, आर आ गया 88/88, 1 सेंटीमीटर। लेकिन आपको क्या निकालना है, व्यास निकालना है, व्यास होता है त्रिज्या का दुगना, तो 2 × 1 2 सेंटीमीटर आएगा। यस, 3 हो नहीं सकता है, जिसने अगर 1 लिखा है, बी ऑप्शन लिखा है, मतलब कि उसने सिर्फ त्रिज्या त्रिज्या तक निकाला, उसने व्यास वाला पार्ट करा ही नहीं। ठीक है, समझ में आया सभी को ये क्वेश्चन? सभी बच्चों को? चलिए बेटा, गुड। किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है, सबको समझ में आ गया है? ठीक है, चलिए ठीक है। इस तरीके का एक और क्वेश्चन दूं मैं आपको, एक और क्वेश्चन इस तरीके का कर लेते हैं, ठीक है? क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है काफी बड़ा है, उसके लिए इतना टाइम है नहीं कि अभी सॉल्व हो जाए, क्योंकि वाला क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो इस बार फिर से आपको व्यास निकालना है, यदि आपको कर्व कर सरफेस दोगे एरिया, तीन चार यस, कर्व सरफेस एरिया दे रखा है आपको, चलिए मान लीजिए 144 वर्ग सेंटीमीटर, और ऊंचाई आपको दे रखी है 21 सेंटीमीटर, निकालिए। ठीक है, चैट सेक्शन में आंसर करना है। अच्छा, डेसिमल में आंसर आएगा इसका, डेसिमल में आ रहा है आपका? चलिए डेसिमल में तो आंसर ठीक है, ठीक है, गुड।
बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी से सॉल्व करिए बेटा, फिर डिस्कस भी करना है। चलिए तो उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया होगा? यस, फॉर्मूला पुट किया होगा बराबर में 2 पाई आर एच, है ना। 144 बराबर 2 × 22/7 × r × 21। 7 से कट गया होगा 3 बारी। 144 बराबर 44 × 3 × r। आर कितना आ गया हुआ बेटा? ये दोनों यहाँ मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएंगे, डिवाइड में आ जाएंगे। 144/132, 144/132 आएगा, है ना। और जब आप इसे डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, ठीक है, 44 × 3 करेंगे, 132 आएगा। 144 भागा तो 32, ये आएगा 1.09 सेंटीमीटर। फिर डायमीटर निकालेंगे, व्यास निकालेंगे, इसको 2 से गुणा कर देंगे। इसको जब आप 2 से गुणा करोगे, ये आएगा 2.18 सेंटीमीटर, 2.18। एक तो संतोष कुमार और हिमांशु के नाम से जो है, दो बच्चों का एकदम करेक्ट है। बाकी बच्चों ने ट्राई नहीं किया। राम प्रसाद वेरी गुड, बस आपने लास्ट का स्टेप नहीं करा। ठीक है, शिवानी, ममता, विशाल, ओके, काफी सारे बच्चों ने कर दिया। रामकरण, अंकित, गुड, बहुत बढ़िया। तो सभी को क्लियर हो गया आज का ही टॉपिक? तो आज का ही टॉपिक यहीं तक।